बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफजाल मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रॉपर फूड। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुशियां अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूं मौसम के लिहाज से मिंट मार्गरिटा। दोस्तों, इसमें चंद एक चीज़ें ही जाती हैं। दो गिलास मिंट मार्गरिटा के लिए मैंने ले लिए 2 टेबल स्पून शुगर, 3 से 4 लेमू, चाहे 3 ले लें अगर बड़े साइज़ के तो 3 लेमू, वरना 4 ले लें आप अगर थोड़े छोटे साइज के। 1 प्याली भर के हमने ले लिया है पुदीना, 1 टीस्पून हमने ले लिया ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, और बिल्कुल एक छोटा सा आप कह लें कि हल्की सी पिंच जो है आप ले लेंगे फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपने किसी गेस्ट को पेश करना है तो आप बिल्कुल थोड़ी मिकदार में बिल्कुल हल्का सा 1 पिंच आप इसमें ग्रीन फूड कलर भी आप डाल सकते हैं, वो देखने में बड़ा खुशनुमा लगेगा। और हमने थोड़ी सी आइस ले ली है, आइस क्यूब, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम इसमें कोई 7 से 8 पीस इसमें आइस क्यूब भी हम डालेंगे, और 600 ml हम इसमें डालेंगे स्प्राइट। आप कोई भी सोडा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसमें लग करते हैं। पहले हम इसमें एक ब्लेंडर में लेमन जोड़ लेंगे, बल्कि हम हाथ से जोड़ते हैं ताकि रस इसका अच्छे तरीके से निकल जाए। दोस्तों, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली भर के पुदीना। जैसे कि नाम से जाहिर है कि मिंट मार्गरिटा, तो ये इसमें पुदीने के पत्ते ज़रा ज़्यादा जाएंगे। 1 टीस्पून हमने ले लिया है ब्लैक सॉल्ट, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे शुगर। जी दोस्तों, अभी हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जब आप इसको ग्लास में डालेंगे तो ये नाइस लगेगा। ये ऑलमोस्ट हम 6 पीसेस, जो मेरे पास थोड़े से बड़े साइज के पीसेस हैं, तो 6-7 पीसेस आप इसके उसमें डाल दें। अभी हम इसमें डालेंगे 600 ml स्प्राइट। जी दोस्तों, ये हमारा मिंट मार्गरिटा, हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और ये रेडी है। अभी हम इसकी गार्निशिंग के लिए आपको बताएंगे। हमने एक प्याली में थोड़ा सा पानी ले लिया है और ये हमने थोड़ी सी शुगर ले ली है। अभी हम इसकी गार्निशिंग के लिए आपको सिंपल वे बताते हैं जैसे रेस्टोरेंट वाले करते हैं। इसको हमने थोड़ा सा गीला कर लिया और ये हमने इसको आप इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आपने कोई भी खाना बनाना, कोई भी चीज़ बनानी है, उसकी गार्निशिंग आपने खास ख्याल रखना। सो सिंपल होते, छोटे छोटे इसके ट्रिक होते हैं, तो जो भी इसको खाएगा या किसी भी चीज़ को आप जो घर में बनाएंगे, कोई शेक है, कोई खाना है, गार्निशिंग का ख्याल रखेंगे तो वो देखने में भी खूब बहुत खूबसूरत है और खाने में भी नहायत लजीज है। अभी हम इसमें डालेंगे मिंट मार्गरिटा। जी दोस्तों, अभी हम इसको ग्लासेस में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा मजे का मिंट मार्गरिटा रेडी है। गार्निशिंग के लिए 1 लेमन का पीस यहाँ लगा देंगे और 1 पीस हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम करेंगे ये कि ये मिंट लीफ हमने एक ऐसे रख देंगे और एक छोटी सी 10 इंच की छोटा सा पीस हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे और ये स्ट्रॉ हमने इसका लगा दिया। दोस्तों, ये मिंट मार्गरिटा रेडी है।
मैंने आगे इसको जब इसको मैंने अभी रेडी किया तो मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत मज़े का बना है। उसके बाद मैंने फिर इसको ग्लासेस में डाला है। इस समर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है, बहुत रिफ्रेशिंग है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।